Hello everyone, welcome back to my YouTube channel again. Those who are new, I'm Lakshay and I'm a commercial pilot. Before moving to topic, I request you please like, comment and subscribe as it motivates me to make more videos. तो आज की वीडियो बहुत सिंपल होने वाली है. नॉर्मल जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ किसी फ्लाइंग स्कूल के बारे में या साउथ अफ्रीका या किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में कि वहाँ पे फ्लाइंग कैसी है ये सब, तो उससे हटके आज वीडियो है. तो आज बेसिकली हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमें नॉलेजेबल पायलट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ मतलब साथ ही पढ़े. तो आज का टॉपिक है डिक्लेयर्ड डिस्टेंसेस. तो हम लोग इसके रनवे के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली रनवे होता क्या है, रनवे में कौन सी चीज को हम क्या बोलते हैं. तो हम एक पावर पॉइंट की बेसिस पे मैं आपको सबको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली क्या चीज क्या होती है. तो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन अ पावर पॉइंट. So here is our presentation. हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. टेक ऑफ रन अवेलेबल, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, एक्सेलरेट स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल एंड लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल. तो बेसिकली ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव पे नहीं, किसी भी कंट्री जाते हो आप, उधर ये क्वेश्चंस आते हैं और एज अ गुड पायलट आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये रनवे है, रनवे 03 and 21, जो मैंने येलो से मार्किंग करी है. तो वो सब चीजें मतलब एक चीज को मैंने बताया हुआ है वो क्या है और कितने मीटर्स का है. So this is your runway and it is 2000 meters. तो basically runway को हम meters में ही देखते हैं या बोला जाता है. और जो ये 210 है और 310 है. Let me choose a brush and explain you properly. 210 है और ये 310 जो है वो आपकी elevation है runway की. तो इससे हम बता सकते हैं कि uphill है या down, वो मैं सब आगे चीजें हैं कि चीज को मैंने ढंग से समझाया हुआ है. Whereas अभी थोड़ा सा आप अपने माइंड में रख लो ये चीजें क्या है. तो ये स्टॉपवे है और ये भी स्टॉपवे है. और अब हम क्लियरवे देख लेते हैं. ये क्लियरवे है और ये भी क्लियरवे है. तो इसको थोड़ा सा अपने इस पिक्चर को अपने माइंड में रख लो. तो ये मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो ये आपकी डिस्प्ले थ्रेशोल्ड है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रनवे लेंथ क्या होती है. दिस द लेंथ ऑफ अ रनवे फ्रॉम वन थ्रेशोल्ड टू द अदर थ्रेशोल्ड. इट मस्ट बी नोटेड दैट द लेंथ इज नॉर्मली गिवन इन मीटर्स. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो रनवे की लेंथ होती है वो मीटर्स में होती है जनरली. तो देख लेते हैं ये अगेन योर रनवे और रनवे की जो लेंथ है वो 2000 मीटर है. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट रनवे स्लोप. तो इससे हम बता सकते हैं कि अप स्लोप है या डाउन स्लोप है. तो रनवे जनरली हम कहीं पढ़ते हैं कि अप हिल है या डाउन हिल है. तो इससे हमें पता चलता है, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं. मैंने आगे फॉर्मूला भी बताया विद एन एग्जाम्पल. तो आप वर्ल्ड के किसी भी एयरपोर्ट का आप अप हिल या डाउन हिल आप उसका बता सकते हो. So now let's have a look कैसा दिखता है, मतलब कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. थ्रेशोल्ड एलिवेशन 1 माइनस थ्रेशोल्ड एलिवेशन 2 डिवाइड बाय रनवे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100, यू विल गेट अ स्लोप ऑफ रनवे इन परसेंटेज. तो जो रनवे ऑब्वियसली जो ऊपर होगा उसको हम नीचे वाले से माइनस करेंगे. बेसिकली जो बड़ी फिगर होगी उसको छोटी फिगर, बड़ी फिगर में से छोटी फिगर को माइनस करेंगे, सॉरी, तो और उसको रनवे लेंथ से डिवाइड कर देंगे. तो रनवे लेंथ मस्ट बी इन फीट. तो हम मीटर्स में नहीं करते, इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर कैलकुलेशन. 310 फीट माइनस 210 फीट एंड डिवाइडेड बाय 6562. तो इसको हमने मीटर्स को हमने फीट में कन्वर्ट कर लिया एंड नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 100 एंड विल गेट आवर आंसर. सो इट्स वेरी इजी. तो आप किसी भी रनवे के लिए पूरे वर्ल्ड में आप इस पे वर्कआउट कर सकते हो कि अप हिल है या डाउन हिल है, अप स्लोप है या डाउन स्लोप है, कुछ भी बोलना चाहो. So now let's talk about stopway. क्या होता है? The stopway is an extension beyond the runway which may be used to deaccelerate the aircraft in case of an aborted takeoff only. तो किसी भी मतलब से example engine fail होता है, कुछ भी problem होती है aircraft के साथ, तो उस case में ही हम लोग stopway use करते हैं. तो ये it's very important. ये exam perspective के लिए भी important है. This one is also very important. This point. The stopway must be at least as wide as the runway. So साउथ अफ्रीका में भी मैंने पढ़ा था ये, whereas इंडिया में भी पढ़ा है मैंने. तो यू मस्ट नो अबाउट दिस. The stopway must be able to support the weight of the aircraft without damage. So now let's have a look on stopway. So this is our stopway. इससे ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है उसमें. Clearway. The clearway is an area beyond the runway not less than 250 feet on either side of a runway centerline under the airport control. तो basically airport control के अंदर ही होना चाहिए. The clearway includes the stopway. तो ये बहुत एक क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी हो जाता है अगर ये एग्जाम में आता है तो. इट्स वेरी सिंपल दिस पॉइंट. अभी बहुत इजी लगेगा लेकिन एग्जाम में कभी कभार ना क्लियर वे की जगह स्टॉप वे लिख देते हैं. मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. कि द क्लियर वे इंक्लूड्स द स्टॉप वे, यस दिस इज ट्रू। फिर ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है स्टॉप वे इंक्लूड्स क्लियर वे, तो दैट इज रॉन्ग। तो क्लियर वे इंक्लूड करता है स्टॉप वे, वेरा स्टॉप वे इंक्लूड नहीं करता क्लियर वे को। तो अभी मैं आगे दिखाता हूँ, फिगर से बहुत इजी हो जाएगा। The maximum length of a clearway may not exceed 25% of the runway length. The clearway slope must not exceed uphill of 1.25%. Again, this is very important. This point is very important, so you must know about this point. Basically, आपको पता होना चाहिए. The clearway must be clear of all obstacles. This is also very important. So now let's have a look on clearway. तो ये clearway आपका, देखो मैं जो बोल रहा था कि क्लियर वे इंक्लूड स्टॉप वे, क्लियर वे के अंडर अंदर आ रहा है बेसिकली स्टॉप वे, और जो स्टॉप वे में है वो क्लियर वे नहीं आ रहा। तो क्लियर वे इंक्लूड स्टॉप वे इज राइट, वेयर स्टॉप वे डजंट इंक्लूड क्लियर वे। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक करते हैं एग्जाम में, तो यू मस्ट नो दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड। तो इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। The threshold of a runway is displaced to comply with obstacle clearance on the approach path. तो basically approach की path में, approach के रास्ते में कोई भी obstacle होगा, उसको clear करने के लिए, जो clear करने के लिए runway पे displaced threshold draw की जाती है। It must be noted that displaced threshold is only for a landing consideration. तो सिर्फ landing consideration में ही काम आता है। So this is your displaced threshold. तो इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। So now let's talk about takeoff run available. This is the distance available for a ground run of an aircraft for takeoff. The distance is from the one runway threshold to the other runway threshold. So now let's have a look. So basically यहाँ से यहाँ तक, तो basically runway की length बोल सकते हैं। TORA takeoff run available for 03 is 2000 meter, whereas 21 के लिए भी 2000 meter. होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। तो टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल में हम लोग रनवे की लेंथ और क्लियर वे को प्लस करते हैं, तो दैट इज योर टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक। ओके, नोट दैट द क्लियर वे लेंथ मे नॉट एक्सीड 25% ऑफ द रनवे लेंथ। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया पहले, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो रनवे 03 के लिए 2400 मीटर है, क्योंकि रनवे 03 अगर हम इधर से टेक ऑफ कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे हमें 400 मीटर मिलेगा, राइट। और अगर हम 21 से टेक ऑफ करेंगे तो हमें 600 मीटर एक्स्ट्रा मिलेगा। सो फॉर रनवे टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल फॉर रनवे 03 इज 2400 मीटर, वेयरएज फॉर रनवे 21 इट्स 2600 मीटर। दैट्स इट, इतना ही बताना चाहिए आपको। So now let's talk about accelerate stop distance available. This is a distance required to accelerate to V1 and then reject the takeoff and bring the aircraft to stop. So basically V1 क्या होता है? ये. तो V1 is your speed. तो V1 को हम बोलते हैं takeoff initiation speed और कभी के बार बोलते हैं takeoff decision speed भी। तो basically इस speed पे हम decision लेते हैं कि हमें takeoff करना है या takeoff नहीं करना। क्योंकि in case कुछ भी problem होती है किसी भी part के साथ या इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग उस केस में हम लोग V1 पे हम डिसाइड करते हैं कि टेक ऑफ करेंगे या नहीं। तो इन केस हमें स्टॉप करना है उस केस में, तो हम लोग एक्सेलरेट स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टॉप वे कितना है। 03 के लिए 50 मीटर हम प्लस करेंगे तो 2050, और 21 से अगर टेक ऑफ करेंगे हम तो 100 मीटर प्लस करेंगे। तो ये थोड़ा सा रेड पेन है, आई गेस आपको समझ में आ ही जाएगा, दिख रहा है। तो हम देख लेते हैं ASDA ऑन रनवे 03 इज 2050 और वेयरएज 21 के लिए 2100। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। दिस इज डिस्टेंस अवेलेबल फॉर द एयरक्राफ्ट टू लैंड ऑन एंड इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन थ्रेशोल्ड टू द अदर थ्रेशोल्ड। नोट द स्टॉप वे इज नेवर यूज्ड फॉर लैंडिंग। आई रिपीट, स्टॉप वे इज नेवर यूज्ड फॉर लैंडिंग, कीप दिस इन माइंड। तो अब देख लेते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। तो रनवे 03 के लिए बहुत सिंपल है, वही चीज मैं बताई आपको कि इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे को मिल जाएगा 03 के लिए 1850, क्योंकि लैंडिंग डिस्टेंस है, ऑब्स्टेकल क्लियरेंस करना है हमें, तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड है उसके लिए। और अब बात करते हैं हम 21 के लिए, यहाँ पे नहीं है तो हम लोग पूरा का पूरा रनवे यूज कर सकते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू 2000 मीटर्स। सो इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए इतना काफ़ी है और आई गेस इतना काफ़ी है। अगर जितना ज़्यादा हम स्ट्रेच करेंगे तो उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा और आई डोंट थिंक सो एट दिस पॉइंट अगर आप बहुत इनिशियली ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली एक चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन बेसिक पता होने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द बेसिक। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। इनकेस कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं और जिससे आप फ्लाइंग स्कूल जाओगे उससे पहले एटलीस्ट आपके पास काफी अच्छी नॉलेज होगी, एटलीस्ट आपको सब चीजें पता होंगी कि क्या होता है बेसिकली रनवे के बारे में या सर्किट ट्रेनिंग के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ सर्किट ट्रेनिंग के ऊपर बनाते हैं। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड तो We'll see you next week or thank you so much for